What's up guys, hope you all are doing great. My name is Shivang and welcome back to another video. So guys, in this video we're going to create a terrarium ecosystem. So for the drainage layer I'm using Leka and some white pebbles. कोई भी sand, gravel या फिर sphagnum moss ऐसे चीज़ों से एक drainage layer बना सकते हैं जो coarse हो. Okay guys, sphagnum moss is not an ideal option. आप rocks, gravel या sand use कर सकते हैं, साथ में charcoal अगर आप use करेंगे तो वो water को clean भी करेगा. For the substrate barrier I am using sphagnum moss. Sphagnum moss एक बहुत अच्छा substrate barrier बन सकता है अगर हम चाहें तो. वो substrate को पानी से अलग रखेगा और excess water को absorb भी कर लेगा. And जो sphagnum moss है वो acidic in nature होता है, सो इससे हमें एक और फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारी वाटर होगी उसका pH भी तेज रहेगा यानी एसिडिक रहेगा, सो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी. और फॉर द सबस्ट्रेट आई एम यूजिंग माय मिक्स व्हिच इज स्पेशली फॉर टेरेरियम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्पैग्नम मॉस, कोको पीट, वर्मी कॉम्पोस्ट, चारकोल, ऑर्किड बार्क एंड सैंड. ये सारी चीज़ें हैं. ऑर्किड बार्क अगर आपको ना मिले तो आप वुड चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो गाइस, अब मैं हार्डस्केप में यहाँ पे थोड़े रॉक्स के फॉर्मेशंस बनाने वाला हूँ. आई एम डूइंग नथिंग मच हियर, कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई वुडस्केप नहीं है. यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ स्टोन्स को ऐसे ही बिखेर दिया है जस्ट टू गिव इट अ नेचुरल लुक, जैसा नेचर में होता है. अब कुछ रैंडम होता है वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है. सो फॉर द प्लांट्स मैं यहाँ पर भी वेरीगेटेड फाइकस का यूज़ कर रहा हूँ. ये टेरेरियम में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होता है. मैंने इसे अपने एक दूसरे टेरेरियम से ट्रिमिंग्स काट कर इस टेरेरियम में लगानी है, सो वही लगा रहा हूँ मैं. और आप भी अगर मल्टीपल सिस्टम्स बनाते हैं तो आपको ये एडवांटेज होता है कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ऑलरेडी प्लांट्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू गेट प्लांट्स फ्रॉम. सो गाइस, अभी यहाँ पे मैंने फिटोनिया वाइट वेन फिटोनिया लगाया है और उसके बाद मैंने इसके पीछे बोस्टन फर्न लगाया है, विच इज अ टेरेरियम बैकग्राउंड प्लांट, आपको सबको पता है. एंड देन मैंने यहाँ पे सिंगोनियम लगाया है. सिंगोनियम इज अ ग्रेट प्लांट फॉर टेरेरियम बिकॉज इट लाइक्स हाई ह्यूमिडिटी में टेरेरियम के अंदर सिंगोनियम प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है. एंड देन आई हैव एडेड सम जेड प्लांट्स, मेरे पास जेड बॉन्साई है तो उसके कटिंग्स में से ही मैंने कुछ कटिंग्स को इसमें लगाया है, वो भी टेरेरियम कंडीशंस में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं. और अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स क्या डिफ़िकल्टी है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. गाइज, आप ऐसा सबस्ट्रेट सिस्टम बना सकते हैं. आई एम लॉन्चिंग माई सबस्ट्रेट सिस्टम सून, सो आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं. ओके गाइज, सो ये सबस्ट्रेट सिस्टम जो है वो बायो एक्टिव है. इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोफोना है जैसे कि स्प्रिंग टेल्स, डॉल्फ आइसोपॉड्स, स्कड्स और ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स है जो इस सॉइल को बायो एक्टिव बनाते हैं. बायो एक्टिविटी ये ऐसी चीज़ होती है जो ये क्रिएचर्स क्रिएट करते हैं बाय ईटिंग एंड एक्सक्रीटिंग देयर वेस्ट इन द एंटायर सिस्टम. सो आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं गाइस, एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा टेरेरियम. ये बहुत सिंपल सा टेरेरियम है, दिस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स. मैं ऐसा चाहता था कि मेरा जो टेबल है उस पर हाउस प्लांट्स रखना, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि आई कैन यूज मल्टीपल प्लांट ऑप्शंस इन वन सिस्टम इन वन प्रोजेक्ट, सो मैंने इस चीज को बनाना सही समझा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.